से क्या आप लोग रोड के थ्रू आइएगा तो रोड के थ्रू यहाँ पर से नीचे से कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए लोग पटना विश्वविद्यालय के पास है, यहाँ पर देख लीजिए स्लोप आगे तक नीचे आ चुका है, इसका काम अभी चल रहा है लास्ट टाइम में। अभी पिलर नंबर 51 के पास हम लोग आ गए हैं, यहाँ पर देखिएगा वो दूसरा तल्ला भी हो गया रेडी, यहीं पर मंदिर शिफ्ट हो गया, जो आगे एक मंदिर आप लोग देख रहे हैं पिलर नंबर 52 या 53 के आगे होगा, तो यहाँ पर मंदिर हो रहा है शिफ्ट। आपको थोड़ा दिखा देते हैं मंदिर का काम चल रहा है, ऊपर गटर का काम और स्लैब का काम दोनों हो चुका है। जब आते हैं इसका काम बहुत सही से देखते हैं। इसी के साइड में देखिए यहाँ पर एक रोड बना दिया गया है, ये जो रोड बनाया गया है इसके बगल में सब दुकान है, फिर दुकान को लास्ट में तोड़ दिया जाएगा, डबल डेकर पूरा बनकर कम्प्लीट हो जाएगा। पटना PMCH के पास गाइस हैं, डबल डेकर का काम पिलर नंबर 40 तक हो चुका है, पिलर नंबर 41-42 के पास आकर रुका हुआ, आगे चल के अपडेट थोड़ा आपको देते हैं, फिर गांधी मैदान के पास ही ले जाकर दिखा देंगे कहाँ तक वहाँ काम हो चुका है। गाइस देख सकते हैं पिलर नंबर 42 तो जो काम हुआ है, ऊपर का जो ढांचा आप लोग देख रहे हैं लोहा, जिसको गार्डर बोलते हैं और हम लोग जो पब्लिक वाले इसको पिलर बोलते हैं, लेकिन पिलर इसको बोला जाता है अगर आप लोग इंजीनियर तो इंजीनियर के भाषा में इसको पियर बोला जाता है, PIER ऐसे तो सबको पिलर ही बोलते हैं। ऊपर जो ढांचा गार्डर हो गया और इसके ऊपर जो लग जाता है वो स्लैब होने वाला, तो अभी स्लैब इधर का जो आप लोग देख रहे हैं स्लैब पूरा रखा चुका है और अभी गार्डर के ऊपर स्लैब इधर रखना आगे बाकी है। अभी गाइस पिलर नंबर 51 के पास हम लोग आ गए हैं, यहाँ पर देखिएगा वो दूसरा तल्ला भी हो गया रेडी, यहीं पर मंदिर शिफ्ट हो गया, जो आगे एक मंदिर आप लोग देख रहे हैं पिलर नंबर 52 या 53 के आगे होगा, तो यहाँ पर मंदिर हो रहा है शिफ्ट। आपको थोड़ा दिखा देते हैं मंदिर का काम चल रहा है, मंदिर का ढलाई चल रहा है, अभी माता जी यहाँ पर रेडी हो रहे हैं, उसी मंदिर को यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। आगे जो गया मंदिर था उसको पिलर नंबर 51 के पास कर दिया गया, लास्ट टाइम पंडित जी बोले थे कि मंदिर को तोड़ा नहीं जाएगा, उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो मंदिर को फाइनली यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है, माता जी दुर्गा माँ जी का मूर्ति को बनाया जा रहा है। आगे चल के और आपको थोड़ा अपडेट देते हैं कहाँ तक वो ढलाव जो बन चुका है, लास्ट टाइम दिए तो पूरा कम्प्लीट हुआ नहीं था, बट अभी फिलहाल लगता है कि आगे तक हो चुका है। अभी का हम लोग पिलर नंबर 54 के पास है, देख लीजिए यही मंदिर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसी को आगे शिफ्ट किया जा रहा है पिलर नंबर 52 के पास। ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तो पूरा सीमेंट का भी ढलाव भी हो चुका है, ये नीचे वाला पोर्शन जो गार्डर है ऊपर वाला स्लैब हो गया, इसके नीचे से भी एक जाने वाला है, वहाँ से देख रहे हिस्सा वो ऐसे करके नीचे स्लोप बन के आगे चलते जाएगा और वहाँ पर जाके अभी नीचे चला जाएगा, ये यहाँ तक ही रोका जाएगा, बाकी आप लोग देख सकते हैं आगे काम चल रहा है। लीजिए पिलर नंबर 54 के पास आगे बढ़ रहे हैं, पटना साइंस कॉलेज आता है, वहाँ यहाँ पर देखिए डबल डेकर हो रहा है, डबल डेकर ऊपर नीचे मतलब होने वाला, आपको चार रोड मिल जाएगा इस साइड से उस साइड से लेफ्ट राइट अप डाउन और ऊपर वाला भी, देखिए चार रास्ता आपका होने वाला है, ये पूरा हम लोग को आगे तक अभी NIT तक जाने वाला है, NIT पूरा मोड़ तक नहीं जाएगा, उसके पहले थोड़ा सा जाकर रुक जाएगा, वहाँ के काम चल रहा है मेट्रो का। अभी चलिए आगे चल के भी दिखा देते हैं आगे जो लास्ट टाइम स्लोप बना था वो कहाँ तक हो चुका है। तो डबल डेकर का काम गाइस बहुत तेजी से हो रहा है और डबल डेकर बनने के बाद पटना वासियों को यहाँ पर जो जाम होता है उसे छुटकारा तो मिल ही जाएगा, बहुत सारे व्लॉग में बोले और आप लोग भी समझ सकते हैं बस वगैरह जो स्कूल से गुजरते हैं दोपहर के टाइम तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाता है। अब इनको जिनको डायरेक्ट जाना है वो पुल की मदद से आप लोग डायरेक्ट आगे NIT तक निकल पाइएगा और ट्रैफिक और जाम से छुटकारा आपको मिल पाएगा। लोग पटना विश्वविद्यालय के पास है, यहाँ पर देख लीजिए स्लोप आगे तक नीचे आ चुका है, इसका काम अभी चल रहा है, लास्ट टाइम ये पूरा नहीं हुआ था, अब मतलब ऊपर जाने के लिए भी आपको यहाँ पर से ढलाव मिल गया, एक तो उधर से जुड़ जाता है वो NIT निकल जाएगा, ये हमारा पटना विश्वविद्यालय के पास ये उतर जाएगा। तो आप लोग सोच रहे हो डायरेक्ट गांधी में चढ़ेंगे एक बार में आ जाएंगे, वैसे नहीं होने वाला है, दोनों को अलग अलग साइड से देखिए जोड़ा जाएगा, तो दोनों की मदद से आपको बाकी से शॉर्ट दिखा देंगे। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और एक जो उस साइड है डबल डेकर के साइड उसी में जुटने वाला है, ऊपर के ड्रोन से ही आपको समझ में आएगा। ना विश्वविद्यालय से NIT की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ऊपर का पूरा ढलाव भी हो चुका है, कहीं कहीं पर आपको हल्का फुल्का झूठा दिख रहा होगा क्योंकि नीचे आने के लिए एक सीढ़ी बनाया जाता है इंजीनियर काम के लिए, वो छूटा होगा, बाकी ढलाव पूरा हो चुका है और आगे पटना विश्वविद्यालय के पास एक स्लो बन गया नीचे उतरने के लिए। यहाँ पर देखिएगा इस रोड के पास सब ढाल करके सबको रखा गया है, सबको ऊपर ले जाकर लास्ट में जोड़ दिया जाता है क्योंकि एक बार में उतना उठाकर जाएगा नहीं, तो एक एक करके सबको जोड़ के ऊपर मतलब ऊपर एक एक करके इसको ऊपर लिया जाता है फिर सबको जोड़ दिया जाता है। 62 के पास गाइस ढलाई कंप्लीट हो गया, लास्ट टाइम दिखाए थे तो पूरा नहीं आया था, आधा अधूरा था, अब बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, स्लोप जैसा बनकर नीचे आ गया है हमारा पटना विश्वविद्यालय के पास, देख सकते हैं यहाँ पर ढलाव का काम अभी तेज़ी चल रहा है, समझिए लगभग कम्प्लीट हो गया, बस नीचे आके यहाँ पर ख़त्म हो गया, देख लीजिए सब ढलाई भी कर रहे हैं, आपको ड्रोन से भी दिखा दिए शॉर्ट्स वगैरह। हम लोग आगे यहाँ निकलते हैं गांधी मैदान चल के थोड़ा वहाँ का अपडेट दे देते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं दो तरफा गाय जा रहा है, एक स्लैब तो हम लोग एक जो जाकर जो है नीचे हमारा पटना विश्वविद्यालय के पास उतरेगा और दूसरा हमारा NIT से जाने वाला है,
दोनों एक ही डबल डेकर से ब्रिज से आगे से जुट जाएगा। आगे से आप लोग जब गांधीवन से होते आइएगा तो दोनों एक साइड में जुटा रहेगा, उसके बाद दोनों का को दो हिस्से में बांटा रहेगा। या तो आगे NIT निकल जाइए, पटना विश्वविद्यालय के पास उतर जाइए, PMCH के पास है। यहाँ से PMCH से देख रहे हैं, ऊपर से देखिए डबल जा रहा है, एक और इसके ऊपर से जो ऊपर से जा रहा है वो एक स्लॉप जाके आपका पटना विश्वविद्यालय के पास उतरेगा, और दूसरा जो ब्रिज है आपको डायरेक्ट NIT ले जाएगा। तो इसके ऊपर से जो ये नीचे वाला देख रहे हैं स्लोप जाकर पटना विश्वविद्यालय के पास खत्म हो जाएगा, और उसके ऊपर से जो गांधीवन से होकर आ रहा है वो हमारा डायरेक्ट NIT जाने वाला है। तो अभी गाइस पटना गांधीवन के पास आ चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा पिलर नंबर यहीं से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्लोप करके ऊपर आप लोग जाने वाले, डबल डेकर के यहाँ पर 100 गुना स्पीड से काम हो रहा है। बगल में जितना भी आप लोग दुकान देख रहे हैं सबको तोड़ के लास्ट में हटा दिया जाएगा, अभी जब थोड़ा ब्रिज आगे तक कंप्लीट हो जाएगा तब। आगे देखिएगा तो पिलर नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर का काम 100 गुना स्पीड में हो रहा है। जब जाते हैं आते हैं तो देखते हैं आगे तक काम हो चुका है, फिलहाल आगे पिलर नंबर 2 होने वाले। पिलर नंबर 1 से चलते चलते पिलर नंबर 4 के पास आ गए, यहाँ पर BN कॉलेज है। यहाँ से लेकर हमारा डेंटल कॉलेज तक ये डबल डेकर का ब्रिज तेजी से काम यहाँ पर हो रहा है। देखिएगा पिलर नंबर 4 के पास है, ऊपर गटर का काम और स्लैब का काम दोनों हो चुका है। जब आते हैं इसका काम बहुत तेजी से देखते हैं। इसी के साइड में देखिए यहाँ पर एक रोड बना दिया गया है, ये जो रोड बनाया गया है इसके बगल में सब दुकान है, फिर दुकान को लास्ट में तोड़ दिया जाएगा, ये डबल डेकर पूरा बनकर कंप्लीट हो जाएगा तब। आपको बता दें डेंटल कॉलेज के पास से फिर आगे डबल डेकर का काम अभी नहीं हो रहा है, वहाँ पर बीच में थोड़ा काम चल रहा है मेट्रो का, इस कारण से बाकी बीच में एकदम गैपिंग हो, वहाँ पर काम आपको दिखने ही नहीं हुआ। पटना BN कॉलेज के पास है गाइस, आप लोग गांधी में से डायरेक्ट डबल डेकर के लिए जब चढ़िएगा तो डायरेक्ट आप लोग पूरा NIT नहीं पहुँच जाइएगा, आपको दिखाते हैं चल के कैसे होने वाले हैं। उधर से गाइस आप लोग रोड के थ्रू आइएगा, फिर रोड के थ्रू यहाँ पर से नीचे से कनेक्ट हो जाएगा, ये देखिए, फिर नीचे से फिर आप लोग डायरेक्ट ऊपर चले जाइएगा। यहाँ पर देख रहे जो बनाया जा रहा है ये पूरा भी गड्ढा होने वाला है, वहाँ से डायरेक्ट आप लोग इसके नीचे से जाने वाले हैं, फिर डायरेक्ट ये कनेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऊपर ऊपर आप लोग नहीं जा पाइएगा। देखिए थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, देख रहे हैं ये हमारा पटना साइंस कॉलेज के पास जो नीचे वाला है वो आपको उतार देगा, और आगे वाला आपको NIT के पास लेकर जाएगा डायरेक्ट ऊपर ऊपर। तो आप लोग ऐसा सोच रहे कि एक पुल के ऊपर चढ़ जाएंगे फिर डायरेक्ट सीधे चलते जाएंगे NIT उतर जाएंगे, वहाँ कैसे उतरेंगे, तो सबको अलग अलग पार्ट में बांटा जाएगा। पूरा जब बनकर रेडी होगा तो और मतलब थोड़ा कंप्लीट होगा, पूरा नहीं आधा और कंप्लीट होगा स्ट्रक्चर, तो पूरा आपको और अच्छा से थोड़ा डिटेल में दिखाएंगे और समझ में आप लोगों को आने वाला है। अभी तो पूरा आगे जाके छूटा हुआ है पटना डेंटल कॉलेज के पास से, पूरा आगे तक पूरा गैपिंग है क्योंकि वहाँ पर मेट्रो का थोड़ा काम चल रहा है, इस कारण से वहाँ पर अभी डबल डेकर का काम अभी नहीं हो। नीचे का जितना आप लोग देखिएगा डबल डेकर के नीचे जो खाली रहेगा सबके नीचे आप मल्टी लेवल पार्किंग बनने वाला है, मतलब पार्किंग का कोई चार्ज लगेगा, कोई ऐसा नहीं कि फ्री में आप लोग पार्क कर पाइएगा। अभी तो पहले ब्रिज का काम हो जाए उसके बाद पार्किंग का फिर सोचा जाए, लेकिन बताया गया कि नीचे जितना भी खाली रहेगा, जैसे बेली रोड जाते हैं तो पिलर नंबर वहाँ रहता है, नीचे पार्किंग रहता है और पार्किंग करने का चार्ज, वैसे ही यहाँ पर भी आपको पार्किंग का चार्ज लगेगा। चलेगा यहाँ से फाइनली निकलने, छोटा सा अपडेट था सही ब्लॉग आते रहेगा। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। जय बाय, टेक केयर।